अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर व्लॉग। आज मैं आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान की सैर कराऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान की सैर करवाता हूँ। तो पुराने ज़माने की यादें हैं जो लाइफ इन मोहनजो दड़ो की है। ये समंदर के अंदर ये किश्ती हैं, ये छोटे मोटे बर्तन रखे हुए हैं और ये बैलगाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। और ये दरख्त भी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है ये। आप लोग आए नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इन कराची में। आप लोग मेरे पीछे जो जार देख रहे हैं, ये पूरे नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा जार है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी आइए चले, हम आपको और चीजें दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरान गैलरी में, तो मैं आपको पुराने जमाने की कुरान मजीद दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ मेरे पीछे आइए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कुरान मजीद रखे हुए हैं। मैं सब मौजूद हूँ कुरान गैलरी में, तो आप लोग आइए मैं आपको कुरान मजीद दिखा दें। ये कुरान मजीद आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आइए हम आपको इससे थोड़ा और बड़ा दिखाते हैं। ये सन 1250 हिजरी में बना है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। और इधर तो ये ऐसे ही चल रहे हैं कि मज़े मज़े की हवा लग रही है। कुरान गैलरी इतना खूबसूरत बनाई है इन लोगों ने माशाल्लाह से, और सिर्फ कुरान गैलरी में ही ऐसे ही चल रहे हैं। तो आइए चले, हम तो आपको और अब हम लोग क्वाइंस गैलरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं बहुत पुराने पुराने क्वाइंस रखे हुए हैं जिन्हें हम लोग सिक्के कहते हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी अच्छी है और ठंडी हवा नहीं है जो कुरान गैलरी में ठंडी हवा आ रही थी एसी की। और ये कॉइन भी आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराने कॉइन्स हैं और ये हैं सऊदी अरब के कॉइन्स। और ये हैं फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी के कॉइन्स। और ये है जी मिंट टाउन्स ऑफ एंसिएंट पाकिस्तान। और ये जी नेटिव स्टेट्स पोस्ट मुगल पीरियड के क्वाइंस, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए चलें, अब हम क्वाइंस गैलरी से किसी और गैलरी में चलते हैं, तो आइए मेरे साथ। सिख रिलीजन की एक किताब दिखाते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाऊं। ये है होली बुक ऑफ सिख रिलीजन, ये सिखों की होली किताब है जो आप लोग देख रहे हैं। आइए मेरे साथ हम आपको और भी दिखाते हैं। ये भी ऐसे ही दीवान जामी की किताब, और ये है सतपंद लकमान हकीम की लिखी गई किताब है। देखें खूब खुसूमत मरदम खबगोश मगीर, इसके सारे मतलब देखें आप हिंदी में लिखे हुए हैं। ये लिखी है जी किताब मरात अहमदी ने। और ये जो आप किताब देख रहे हैं, इस किताब को जिसने लिखा है उसका नाम है शाहनामी फरदोशी। और ये जो किताब है, ये किताब का नाम है मजमूए खसरू।
और ये जो किताब है इसका नाम है तफसीर हसैनी। यह तो किताब ही नहीं, खाली है ये, यह भी किताबें रखी हुई हैं। और ये किताब देखें, ये किताब है जी महाभारत की, जो आप लोग देख रहे हैं। ये 1962 की बनी हुई किताब है, जो यहाँ नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में रखी हुई है। यह खताती दीवान कासिम है, ये सिकंदर नामा है जो आप लोग देख रहे हैं। ये 40 हदीस, और ये जी दलाइल अल खैरात है। और ये देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा कुरान मजीद मैंने अभी देखा है। मेरी आंखें खुली रह गई और मेरे मुंह से माशाल्लाह निकल गया। आप लोग भी देख सकते हैं कुरान मजीद माशाल्लाह कितना बड़ा कुरान मजीद है, आप लोग देख सकते हैं। और ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी रिवायती कलाश लकड़ी से बने ज़ुरूफ़, और इनसे शिकार किया जाता था पुराने ज़माने में। आप लोगों को दिख रही होंगी या शायद नहीं दिख रही होंगी, कैमरामैन को मैं कहता हूँ कि वो आपको करीब से दिखाएं। ये जो रखा हुआ इनसे शिकार करते थे, वो एक चीज़ रखी है इससे शिकार करते थे, बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई हैं जिनसे लोग पहले शिकार करते थे। और ये आप लोग देख सकते हैं बलूचिस्तान की पुरानी चीज़ें। और अब आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराने ज़माने की यादें ताज़ा करने के लिए ये बनाया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं छोटे बच्चे का पुतला जो बनाया कि वो एक किताब पढ़ रहा है, उसके साथ ये जो आदमी है ये हुक्का पी रहा है, और वो जो औरत है वो लस्सी बना रही है। तो अभी आप लोग आइए मेरे साथ पीछे, मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। इधर भी आप लोग देख सकते हैं ये एक औरत का पुतला है, उसके साथ उसके यानी कि उसके बच्चा बनाया हुआ है, उसका भी पुतला है, और ये उसका एक पर्स है। और भी बहुत ही मशहूर चीज़ें आई है, बहुत ही पुराने से पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान इन कराची में हम लोग मौजूद हैं, तो आइए मेरे साथ। इन कलाश के मनाजिर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराने ज़माने के बनाए गए चीज़ें हैं। रिवायती कलाश लकड़ी से बने ज़रूफ और आलात शिकार हैं, जिनसे लोग पुराने ज़माने में शिकार करते थे, और फिर इन्हीं चीज़ों से अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते थे, जो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। नाजरीन, तो अभी आज का व्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।